इस वक्त की बड़ी खबर जो गुजरात दंगों से जुड़ी हुई है, आपको बता दें तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी के खिलाफ एसआईटी ने हलफनामा दायर किया है, जो याचिका दायर की है उस हलफनामे के जरिए संसदीय खेस खुलासा हुआ है कि तीस्ता सीतलवाड़ ने पैसे लिए थे तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार से और दो मोड में ये पेमेंट ली गई थी, एक बार 5 लाख रुपए, दूसरी बार 15 लाख रुपए, दोनों ही बार ये कैश पेमेंट हुई थी और साथ ही राज्यसभा भेजने को लेकर भी तीस्ता सीतलवाड़ लगातार लॉबिंग कर रही थी, वो राज्यसभा मेंबर बनने की इच्छुक थी, दबाव बनाया जा रहा था, ये एसआईटी की ओर से हलफनामे में कहा गया है, खुलासा किया गया है। एसआईटी तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी के खिलाफ यहां पर याचिका एसआईटी की ओर से दायर की गई है और अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस पर होने वाली है। तो तीस्ता ने शुरुआत में ही 30 लाख रुपए लिए, ये संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईटी के हलफनामा पर हमला बोलेगी बीजेपी। ये साफ नजर आ रहा है किस तरीके से उस वक्त तीस्ता सीतलवाड़ कांग्रेस के साथ मिली हुई थी तत्कालीन राज्य सरकार को गिराने के लिए और साथ ही जो तीस्ता के पॉलिटिकल एम्बिशंस थे वो ये थे कि उन्हें राज्यसभा भेजे, कांग्रेस की ओर से भेजा जाए और इसके अलावा कैश पेमेंट भी कांग्रेस से ली थी तीस्ता सीतलवाड़ ने। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विकास, संसदीय केस खुलासा और जाहिर तौर पर तीस्ता सीतलवाड़ की मुश्किलें बढ़ी हुई। जी हाँ बिल्कुल, तीस्ता सीतलवाड़ को पहले गुजरात पुलिस जो है मामले में गिरफ्तार कर चुकी है झूठे तथ्य और सबूत पेश करने के आरोप में, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं लगातार जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से उनके एनजीओ को जिस तरह से आउट ऑफ वे जाकर एड दी गई, कानून के विरुद्ध दी गई, नियमों के खिलाफ जाकर दी गई, लगातार जांच जारी थी 2014 के बाद से, लेकिन इसमें कई अफसरों ने जो कि तीस्ता सीतलवाड़ को फायदा पहुंचाने में शामिल थे, जांच में काफी रोड़े अटकाए, जो लोग इस तमाम पूरे तीस्ता सीतलवाड़ के पतिवाड़े के से जुड़े कागज इकट्ठे कर रहे थे उन लोगों को कागज मुहैया नहीं कराए गए, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो पूरे दस्तावेज हैं वो मिलना शुरू हो चुके हैं और सबसे खनसनीखेज खुलासे ये हैं कि 2002 के दंगों के बाद न केवल सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने की साजिश रची गई बल्कि गुजरात की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने की पूरे दुनिया में कोशिश की गई और उसके लिए बाकायदा कैश पेमेंट से लेकर सरकारी खजाने से एनजीओ के जरिए पेमेंट किए गए, ये सारे मामले जो है अब वो खुलकर आने लगे हैं, उसके तमाम दस्तावेज जो है वो बीजेपी को मिल चुके हैं, तमाम आरटीआई लगाने के बावजूद दस्तावेज बरामद मिले हैं उनको, अब धीरे धीरे करके ये सारे खुलासे बीजेपी की करेगी और इसके तार जो है सभी तलवार को मिल कैश पेमेंट से लेकर उनके एनजीओ को जो सरकारी खजाने से भुगतान हुआ उसके सबके तार जो है वो 10 जनपद से जुड़ रहे हैं और इसी बात का खुलासा करने के लिए आज बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़े हुए कई मामलों के खुलासे बीजेपी करेगी। तो गुजरात में जल्दी चुनाव भी होने हैं विकास, तो ऐसे में कह सकते हैं कि इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए बीजेपी के हाथ एक सुनहरा मौका भी लग गया है, धारदार हथियार भी लग गया है कांग्रेस को घेरने का। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस को तीस्ता सीतलवाड़ के बहाने बीजेपी पहले भी घेरती रही थी और लेकिन उसके पास उस समय ये तमाम दस्तावेज नहीं थे जिनके आधार पर तीस्ता सीतलवाड़ और कांग्रेस के कनेक्शन को उजागर किया जा सके, लेकिन अब ये दस्तावेज सामने आ चुके हैं, बीजेपी के नेताओं के पास हैं, इसलिए अब इस पूरे मामले की बखिया उधेड़ने के लिए और कांग्रेस को घेरने के लिए, खासतौर पर कांग्रेस के बड़े आला नेतृत्व को घेरने के लिए कि किस तरह से उसने गुजरात की ना केवल छवि खराब करने की कोशिश की, दंगे भड़काने की कोशिश की, बल्कि सरकार गिराने से लेकर नरेंद्र मोदी की छवि पूरी दुनिया में खराब करने की जो कोशिश की गई थी कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से, अब उसका कनेक्शन वो तीस्ता सीतलवाड़ के जरिए और कांग्रेस नेतृत्व को घेरने की तैयारी है। विकास अब बने रहिए हमारे साथ। तो कांग्रेस के हाथ अब वो मजबूत दस्तावेज लग चुका है एसआईटी का, वो हलफनामा जिसके जरिए बीजेपी कांग्रेस पर और अटैकिंग मोड में नजर आ सकती है। अब से थोड़ी देर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ओर से ये बयान आया है, अहमद पटेल पर लगे आरोप गलत है, कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो अहमद पटेल पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है।
तमाम आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अब से थोड़ी देर में जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, तो वहीं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस की ओर से यह स्टेटमेंट कि अहमद आरोप पर लगे तमाम आरोपों को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है, बेबुनियाद बताया है। कहा कि जो आरोप इस SIT के हलफनामे के जरिए तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल पर लगाए गए हैं, वो सभी आरोप गलत हैं। और साथ ही कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात में दंगों को रोकने में नाकाम रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात दंगों से जुड़ी हुई, जहां तीस्ता सीतलवाड़ की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि SIT ने जो हलफनामा दायर किया उसके जरिए सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि तत्कालीन कांग्रेस के पॉलिटिकल एडवाइजर से तीस्ता ने पैसे लिए थे और अब ये तमाम आरोपों को धारदार हथियार बनाते हुए बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। ABP News आपको रखे आगे।